तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास। क्लास किसी कारणवश बीच में हट गई थी, मैं नहीं जानता कहां पर थे कि क्लास बीच में से डिस्कनेक्ट हुई थी। तो आपने कहां तक पॉइंट्स लिख लिए थे एक बारी देख लीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं पॉइंट्स। पहले पॉइंट्स हमारे अर्थमेटिक मीन के हैं। अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इजी टू कंप्यूट कॉम्प्रीहेंड एंड हैव मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। ये बच्चों सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस में आपके काम आ सकते हैं। जहां पे आपका कोई थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये चीजें यूज की जा सकती है। इसके ऊपर फर्क पड़ता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का, पॉइंट नंबर टू। लेकिन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन को प्रॉपरली हम एडवोकेटेड या कैलकुलेटेड ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कई बारी हमारा जो 0.5 का डिफरेंस होता है वो नहीं होता। जैसे 10 टू 20, फिर अगली बार दे देते हैं 21 से 30, कंटिन्यूशन में नहीं देते। तो आप उसके लिए पहले क्या करते हो, उनको कंटिन्यूशन में लेते हो, जिसके लिए आप लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो जब तक आप उसको ग्रुप्ड नहीं बनाएंगे तब तक आप मीन को कैलकुलेट नहीं कर पाते। फोर्थ पॉइंट कहता है मीडियन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का। फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि जो मीडियन है वो हमारा एक एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए। आपका थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल टेंडेंसी का एप्रोप्रिएट मेजर किसको कहा जाता है, तो आपका उस टाइम पे आंसर होगा किसको कहा जाता है, मीडियन को कहा जाता है एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, बाकी क्वेश्चंस इसमें से नहीं आए हुए। मॉड की कोई भी बेसिकली मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। जीएम एचएम एंड एएम की बात की जाए तो इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैथमेटिकल होती हैं, लेकिन एज कंपैरिजन टू अदर टर्म्स जीएम एंड एचएम की बात की जाए तो प्रॉपरली मैं इसमें एएम नहीं कह सकता कि जीएम एंड एचएम ये डिफिकल्ट टू कैलकुलेट होते हैं एज कंपैरिजन टू अर्थमेटिक मीन, मॉड और मीडियन। तो यूनिट वन में बच्चों इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है, थ्योरी सिर्फ इतनी ही करनी है, फॉर्मूले सिर्फ इतने ही करने हैं। अब बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है, रोहन रिजिडली डिफाइन का मतलब है जिसकी वैल्यू आप प्रॉपरली आसानी से निकाल सकते हैं और वो आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका मीन का आंसर किसी क्वेश्चन के लिए 14.2 है तो जो सा मर्जी मेथड लगाइए वो आंसर 14.2 ही रहेगा। ये नहीं एक तरीके से 14.2 है लेकिन हमने तरीका बदला आंसर 15 आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बच्चों आपके पास इस टाइम बुक होनी चाहिए, ना हो तो मैं क्वेश्चंस वैसे अपने आप ले लेता हूं। अच्छा नोट नहीं करे, जल्दी नोट कीजिए एक बारी। लो अमन मैंने यहां तक कर दिया है, अब वेटेड एएम जीएम एचएम के फॉर्मूले भी नोट कर सकते हैं और पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए। अमन पहले आप लिख लीजिए ताकि मैं नीचे वाले पॉइंट्स को नीचे कर सकूं।
रोहन ओनली फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो बच्चों नोट कर लिया आपने पॉइंट्स। अब सब बच्चे एक बारी बुक निकाल लेंगे। सेट ए आपका थ्योरी वाला है तो आपने क्या करना है बच्चों, बुक में पेंसिल एक उठा लीजिए और बुक में ही पेंसिल से मार्क करते जाने हैं। सेट ए पेंसिल से मार्क करना है और सेट बी सारा सॉल्व करना है हमने। तो मैं यहां पे बुक ओपन ही कर लेता हूं वैसे नीचे से। रोहन वैसे अर्थमेटिक मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ओपन एंड के लिए मीडियन। श्रुति लास्ट पॉइंट है कि जो ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन है सबकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज तो होती ही है लेकिन जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे हम अर्थमेटिक मीन मीन मीडियन मोड आसानी से निकाल लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन उससे मुश्किल माने जाते हैं। अंशिका सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस का मतलब है अगर हम ऑब्जर्वेशंस को फ्लक्चुएट कर दें, जैसे एक बारी हमारी 14.2 थी हमने उसको चेंज करके 15 कर दिया अचानक और उसी क्वेश्चन के अंदर फिर 15 को हमने 15.7 कर दिया, अगर हम इतनी ऑब्जर्वेशंस को फ्लक्चुएट करते हैं तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। ये सिर्फ थ्योरी का पार्ट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जर्वेशन फ्लक्चुएट हो रही है तो आपका क्या होगा। ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब है जैसे ये टर्म्स लिखी होती है 10 to 20, जो फर्स्ट वाली लोअर लिमिट है हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको ओपन एंड क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये तो बच्चों सारी टेंथ की चीजें हैं। अच्छा मैंने ये माना हुआ है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, चलो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ भूल ही जाएं, उसको याद भी रखें थोड़ा बहुत। तो बच्चों स्क्रीन पे एक एक क्वेश्चन आता जाएगा और अपनी बुक पे आपने एक एक करके टिक करते जाना है। मैं यहां पे सिर्फ क्या करूंगा उसका ऑप्शन और जो उसका आंसर होगा वो मैं सामने लिख दिया करूंगा, ठीक है बच्चों। तो सेट ए यूनिट फर्स्ट तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेजर्स। अब बच्चों जो आप पहला ऑप्शन पढ़ रहे हो ना द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये आता है मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन में, मतलब आपके यूनिट टू में आएगा। लेकिन अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या कहती है, measures the central location of the observations। ये properly observation based होते हैं। जितने भी आप central tendency के part पढ़ेंगे mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean, ये सब observation based होते हैं, इसलिए central location of the observation। ये बच्चों आपको याद करने हैं क्योंकि ये आपके दो नंबर हैं, भूलना मत, ये 2 marks हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाइल कंप्यूटिंग द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो भी चीज लिखी हो उसी टाइम माइंड में वो सोच लीजिए। While computing the arithmetic mean from a grouped frequency distribution, we assume that the classes are of equal length. The classes have equal frequency. देखो, classes are of equal length.
ऐसा जरूरी है, चलो मानते हैं कि क्लासेस इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, लेकिन कई बारी ऊपर वाली सेम होती है, नीचे वाली अलग होती है, तब भी हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। क्लासेस हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यू ऑफ दैट क्लास। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, कि जो सारी वैल्यूज होंगी, ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यूज ऑफ दैट क्लास। तो जो भी हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, आपको ध्यान होगा हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जब एक बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम कहते हैं ना कि ए मान लिया, कि जैसे 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम क्या करते हैं, ए को अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं 55। तो वो कह रहा है कि जो सारी वैल्यूज होगी क्लास की, चाहे डिफरेंस 10 हो, चाहे डिफरेंस 20 हो, चाहे डिफरेंस 2 हो, वो हमेशा मिड वैल्यूज ऑफ उस क्लास के हिसाब से चलेंगी। तो जो इसकी मिड वैल्यू होगी, जैसे 20 से 30, और जो इसकी मिड वैल्यू होगी 30 से 40, ये हमेशा सेम रहेंगी। सेम रहेंगी मतलब अगर ये 10 का डिफरेंस चल रहा था तो इनका डिफरेंस भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। वैसे हम इतना अगर उसमें थ्योरी के क्वेश्चन में समझेंगे तो हम थ्योरी के क्वेश्चन याद करने की बजाय कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ उनके आंसर्स मार्क करा देता हूं। आपका कोई डाउट आए तो आप मेरे से साथ में पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। Which of the following statements is wrong? Mean is rigidly defined. बिल्कुल सही बात है। Mean is not affected to sampling fluctuations. गलत बात है। Mean बिल्कुल फर्क पड़ता है उसपे। Mean has some mathematical properties. बिल्कुल सही है। All of these. तो B गलत है। B में वो क्या कह रहा है? कि mean को कोई फर्क नहीं पड़ता sampling fluctuation से। और अभी हमने थ्योरी में थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मीन को सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है। आपने क्वेश्चन को भी समझना है, वो कह रहा है इनमें से कौन सा गलत है, तो आपने जो सी वैल्यू गलत है वो वाली ढूंढनी है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब देखो चौथे में इन्होंने क्या कह दिया, कौन सी वैल्यू सही है, जो आपको चार दे रखी है उनमें से कौन सी सही है। मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल सही, जैसा भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। आगे पढ़ लेते हैं, मीडियन इज द बेस्ट मेजर, मॉड इज द बेस्ट मेजर, ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट मेजर। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूजुअली अगर ओपन एंड लिखा होता तो मीडियन आंसर होता, लेकिन उसने कहा यूजुअली, तो यूजुअली में हमारा आंसर आएगा कि यूजुअली मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है हमने, क्योंकि हर एक मार्क हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, ये सारे शायद एक ही स्क्रीन पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, 5 और 6 आ सकते। चलिए फिफ्थ क्या कहता है, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बच्चों ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ आ गया, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आप सब जानते हैं ओपन एंड के लिए आपका बेस्ट मेजर कौन सा है, मीडियन है। तो आपको अपने दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि बेसिकली अगर बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछा जाएगा तो उसका आंसर मीन होगा, लेकिन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो उसका आंसर मीडियन होगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड था रोहन कि जब हम अर्थमेटिक मीन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल रहे हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन ठीक होती है। वो कहते हैं क्या हमारी जो लेंथ है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कहीं पे हमारी लेंथ होती है 10 से 20 चल रही है, 20 से 30 चल रही है, 30 से 40 चल रही है, 40 से 50 है, लास्ट में आके 50 से 55 आ जाती है, एक की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसकी लेंथ इक्वल रहेगी। उनकी सारी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी सेम हो। जो उनकी वैल्यूज क्लास की आप निकालेंगे वो मिड वैल्यूज ऑफ दैट क्लास के हिसाब से निकाली जाएगी, बिल्कुल सही है। जो हम अपना एज्यूम्ड मीन मानते हैं, जैसे ये 15, 25, 35, 45 और इसका जो भी आएगा, बेसिकली तो इसका 52.5 आएगा, लेकिन जो इसकी मिड वैल्यू है ए है 35, हम सारी वैल्यूज 35 के हिसाब से ही निकालते हैं, ठीक है। ये जो y वाले बच्चे हैं, y वाले हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं है, मीडियन फॉर ओपन एंड क्यों होता है, ये सब कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है कि स्टैटिस्टिक्स में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तब उसका आंसर इजीली कैलकुलेट है, क्योंकि मीडियन का आंसर हम ओजीव से भी निकाल सकते हैं, मीडियन का आंसर हम हिस्टोग्राम से भी निकाल सकते हैं, मीडियन का आंसर हम उसके एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच से भी निकाल सकते हैं, इसलिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन माना जाता है। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस है बच्चे, आपने इनको याद करना है। अगर इनमें आप क्वेश्चंस का आंसर का मीनिंग वाई ढूंढोगे तो आप सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर बैठोगे, जो इजिली आप याद कर सकते हो उसको आप मुश्किल बना बैठोगे। ईशा फोर्थ में सिंपल है कि जो मीन है वो सबसे ज्यादा हमारा बेस्ट मेजर इसलिए माना जाता है कि उसका आंसर हर तरीके से इजिली निकाला जा सकता है, क्योंकि मीन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इससे आसान फॉर्मूला किसी का भी नहीं होता, इसलिए मीन को बेसिकली हर चीज में बेस्ट मेजर माना जाता है। मैंने आपको ये ऑप्शन दिया कि आप उसको इस तरीके से समझे, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढूंढेंगे, आप अपने लिए एक नेगेटिव ड्रॉबैक बना रहे हैं। आप क्वेश्चंस थ्योरी वाले में प्लीज ना पूछिए, अपने लिए मुश्किल ही खड़े कर बैठेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस किस पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और हम जानते हैं किस पर उससे सबसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मीडियन एक ऐसी चीज है जिसमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू लर्न इट, रिकॉर्डिंग बंद पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस डज नॉट अफेक्ट, किस पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका आंसर है बच्चों मीडियन, मीडियन पर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 7 पढ़ लेते क्योंकि उसका एक ऑप्शन ऊपर है, बाकी दो ऑप्शंस नीचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो अभी पहले देव से इसके ऊपर बहस ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको अगर बहस करनी है तो बहस कीजिए। हाँ देव बताइए बेटा, कौन सा क्वेश्चन राइज हो रहा है मेरे को भी बताइए जरा, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बुक को बंद कर देते हैं यहां से, ये इधर से बंद हो गए। पूछिए देव कौन सा क्वेश्चन है। आपको लर्न करने वाली थ्योरी में क्वेश्चंस का टॉपिक अराइज करना है तो हमें भी देखना है कि क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं। लिखो बेटा देव क्वेश्चन, लिखो कौन सा क्वेश्चन है।
बेटा जिसने क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछ लो, मैं आंसर्स बाद में बताऊंगा, पहले वाई के आंसर ढूंढ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लर्न तो कर ही लेंगे, पहले वाई ढूंढ लेते हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, पहले सारे वाई ढूंढते हैं हम ना, पहले सारे वाई पूछिए किस किस चीज में किसको डाउट आ रहा है। जब एक्सरसाइज बी के अंदर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, जहां पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, जहां जरूरी है वहां हम वाई ढूंढे, जो हमें याद करना है उसमें हम वाई ढूंढ रहे हैं। चलिए पहले आप सारे वाई क्लियर कर लीजिए, मैं बैठा हुआ हूं। ये रोहन ने कौन सा पूछ रखा है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। चलो किधर गया मेरा पेन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बच्चों जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हमारे कोई भी इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूशन में नहीं होंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहां से यहां 20 है, यहां 21 आ गया, तो ये ओपन एंड हो जाता है, मतलब ये ऊपर और नीचे कंटिन्यूशन में नहीं होता। जिसको मैं कंटिन्यूशन में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड कर दिए जाते हैं और लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो अगला 32 है, 32 से मान लो आपका 42 बनता है, तो ये 32.5 हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे 31.5 हो जाएगा और ये 42.5 हो जाएगा। अब जो ये लिमिट है, ये तो हमें पता ही नहीं कहां पे जानी है, हमें इससे पीछे जाना था या हमें इससे आगे जाना था, लेकिन डिफरेंस सेम बनाने के लिए हम इसमें इसको ऐड करेंगे कि इसका जो टोटल है डिफरेंस है वो 10 है। क्या इसका डिफरेंस भी 10 है, क्या इसका डिफरेंस भी 10 है, या आपके क्वेश्चन नंबर जो वो पॉइंट ऊपर थे कि वो डिफरेंस सेम वाला जो ऑप्शन था वो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन, ऑल दी वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यूज ऑफ दैट क्लास। तो ओपन एंड के अंदर ये डिफरेंस होता है कि ये सेम नहीं आ रहे होते, तो आपको पहले उसमें किसमें चेंज करना पड़ता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस नहीं होती है तब तक आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। और किसी का वाई है तो एक बार क्लियर कर लीजिए, थ्योरी में वाई बड़े जरूरी हैं, क्योंकि थ्योरी में याद थोड़ी करना होता है, थ्योरी में वाई ढूंढने होते हैं। ये मैथमेटिक्स की थ्योरी है बेटा, ये इको इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये लॉ नहीं है कि हम थ्योरी को समझ समझ के याद करेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की थ्योरी है। यू हैव टू लर्न क्वेश्चन। अगर आप उन 15 क्वेश्चन के लिए आपके पास मान लीजिए 6 चैप्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी आपने करने हैं, तो आप 600 क्वेश्चंस है, अगर हम उन 600 क्वेश्चंस में वाई ढूंढने लग जाएंगे तो हम पहले टॉपिक को समझने के लिए पूरा महीना अलग से निकालेंगे उसके लिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारे ये वाई अपने आप ही दूर हो जाएंगे कि इसका रीजन क्या था और उसका रीजन क्या था। अगर किसी का वाई शेष है तो प्लीज उसको क्लियर कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर क्वेश्चन में दोबारा कंटिन्यू करूं। मेरा क्या जाएगा आपके वाई का आंसर देने में, बताइए जरा, जो चीज आपके लिए यूजफुल है वही तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीडियन में हमारे दो तरह की चीजें होती हैं, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए। अब देखते हैं ये क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियन। तो इवन नंबर के लिए मैं पहले आपको यहां पे फॉर्मूला बता दूं, मीडियन निकालने के लिए जो इवन नंबर वाला फॉर्मूला होता है वो होता है एन बाय टू एथ वैल्यू प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ वैल्यू डिवाइडेड बाई टू। तो देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहला जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है
एनी टू ऑफ द मिडल मोस्ट वैल्यू, नहीं जी ऐसा नहीं होता। अगले ऑप्शन तीन लाने के लिए एक बारी ये चलिए, बी ऑप्शन है सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज, बिल्कुल सही सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो वैसे तो बी ही है फिर भी हम सी पढ़ लेते हैं। वेटेड एवरेज, यहां पे वेटेड एवरेज का कोई लेना देना नहीं है, एनी ऑफ दीज, तो हमारा आंसर है बी द सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज, सिंपल एवरेज ऑफ दीज टू वैल्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर एट आपका आ गया, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अर्थमेटिक मीन। मेन जो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिखा आ जाए या फिर वहां पे लिखा आ जाए कि सबसे बेस्ट मेजर कौन सा है, आपका हर जगह पे आंसर क्या रहेगा, अर्थमेटिक मीन ही आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वो भी विजिबल है यहीं से पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिकली डिफाइंड, सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कौन है जो यूनिकली डिफाइंड नहीं होता, मॉड। मीन भी रिजिडली और यूनिकली डिफाइंड है, मीडियन भी रिजिडली और यूनिकली डिफाइंड है, लेकिन मॉड जो है वो यूनिकली डिफाइंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, आपको बताया गया था कौन आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट में किस किस का नाम था, एक ज्योमेट्रिक मीन का और एक हार्मोनिक मीन का, तो आपके ऑप्शन में कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है बच्चों, बाकी तीन तो वैसे भी इजी टू कंप्यूट है, इजी टू कंप्रीहेंड है। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज और आर कंसीडर टू फाइंड द एवरेज रेट्स। अब बच्चों ये आता है हमारा मेन पॉइंट, देखो आपको सिंपली एवरेज निकालनी हो तो अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो जिसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक मीन का। लेकिन एवरेज रेट की बात आ जाए तो आप किसको कंसीडर करेंगे, उस टाइम पे जीएम या एचएम का यूज किया जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। जैसा किसी बच्चे ने पूछा था सर इसका यूज कहां कहां पर होता है, तो पहला यूज अगर हमें एवरेज रेट्स निकालने हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें वहां पे ज्योमेट्रिक मीन लेना है या हमें वहां पे हार्मोनिक मीन लेना है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन है अभी के लिए, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन में कौन सा लगाना है वो हम सेट बी में देखेंगे, सेट ए के हिसाब से हमें दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, आ गया बच्चों फॉर्मूला जैसा आपको पहले बताया गया था कि फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स। इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन एक और फॉर्मूला आपको बॉक्स में बताया था मैंने, वो है फॉर्मूला नंबर फर्स्ट ही है, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इक्वल्स थ्री टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो इन्होंने डायरेक्ट ना दे के आपको कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला दिया है, लेकिन अगर आपको दोनों फॉर्मूले याद है तो आप गलत नहीं कर सकते। तो
आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वेटेड एवरेजेस आर कंसीडर्ड व्हेन, देखो वेटेड एवरेज के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशंस की इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्या कहता है, डाटा आर नॉट क्लासिफाइड, द डाटा आर पुट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूरी नहीं है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है, वेटेड एवरेजेस के अंदर ऑब्जर्वेशंस की इतनी वैल्यू नहीं होती है, जो थ्योरेटिकली ही हमने पढ़ना है प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं आएगा, तो ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज अलग आ गई है, इसमें इन्होंने किसके लिए कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड फॉर अ डिस्टिंक्ट, अगर उसने सेम लिखा होता तो इक्वल टू होना चाहिए था, डिस्टिंक्ट लिखा है तो इक्वल टू तो आ ही नहीं सकता, और इक्वल टू किस किस में नहीं है, सी और डी में नहीं है, हमारी क्या थी, ए जी से बड़ा होना चाहिए, जी एस से बड़ा होना चाहिए, लेकिन डी में क्या दे रखा है, जी ए से बड़ा है, तो डी वाली हमारी गलत हो जाएगी, हमारा आंसर सी, और वो क्या है, ए जी से बड़ा होना चाहिए और जी एच से बड़ा होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कराते हैं, लेकिन इन्होंने शब्द स्पेशली बोला है डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। जनरल होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड फॉर अ सेट ऑफ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता, सेम लिखा होता तो इक्वल टू का साइन आता, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं इन क्वेश्चंस पर इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये 2 मार्क्स है, नहीं तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस मैं सीधा ये भी कह सकता हूं, जैसे बाकी टीचर क्या करते हैं, सिर्फ आपको पीछे से आंसर टिक करा देते हैं और आपको कह देते हैं लर्न कर लीजिए, लेकिन 2 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, 2 बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं, 98 वाले के लिए, 48 वाले के लिए और 38 वाले के लिए। 38 वाले के लिए क्यों है उसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन 48 और 98 वाले के लिए क्या वैल्यू है वो बच्चा जानता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस आ गया है बच्चों, अब जब यहां से आपको वो चीजें पता चलेंगी कि उनका यूज कैसे कैसे करना है, हमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन का, व्हेन अ फर्म रजिस्टर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी कंसीडर्ड, किसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। देखो प्रॉफिट एंड लॉसेस में आपका अर्थमेटिक मीन तो वैसे भी एप्लीकेबल होता है, मीडियन आप ओजीव का ग्राफ भी बना सकते हैं, मीडियन भी एप्लीकेबल हो सकता है, मतलब कहने का ये है एएम जीएम और एएम मीडियन और मोड, ये जो हमारे पहले 3 मेजर है इसमें प्रॉफिट और लॉस की कंडीशन आ सकती है, तो बचा कौन सा, सिर्फ एक बच गया जो कंसीडर नहीं किया जा सकता, वो है जीएम, अगर यहाँ पे एचएम होता तो आंसर आपका एचएम भी लिया जा सकता था, तो किसका इस्तेमाल प्रॉफिट एंड लॉसेस के रजिस्टर्स में नहीं किया जा सकता, वो है ज्योमेट्रिक मीन, यू हैव टू लर्न दिस। क्वेश्चन नंबर 16, ये अच्छा क्वेश्चन है पर आसान है, क्वार्टाइल्स वो वैल्यूज होती हैं जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कितने बराबर भागों में काटती हैं, और आप जानते हैं सभी, बताने की आवश्यकता नहीं है, 4 equal parts, जैसे डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स है, परसेंटाइल्स
100 इक्वल पार्ट्स है, ऐसे ही क्वार्टाइल्स 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17, क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है, Q2 का मतलब होता है मीडियन, मीडियन निकलता है ओजीव से, तो यहां पे हमारा ऑप्शन है ओजीव, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 से लिंक्ड है, और 14 अभी आपने नहीं स्टडी कर रखा तो मैं आपको बता दूं, क्वार्टाइल्स के अंदर जब हमने पढ़ा था Q1, Q2 और Q3, तो ये हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के पार्ट होते हैं। Q2 हमारा मीडियन का पार्ट होता है, मीडियन हमारा ओजीव से निकाला जाता है, तो इसलिए क्वार्टाइल्स को हम ग्राफिकली किससे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओजीव से। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। मेरे ख्याल से शायद 20 क्वेश्चन है, या पता नहीं कितने 20 ही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोजेस और पोजेसिस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, AM GM HM, हर किसी की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सेटिस्फाइज अ लीनियर रिलेशनशिप, मीन की भी लीनियर होती है, मीडियन की भी लीनियर थी, मॉड की भी लीनियर थी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आपने पढ़ा था ना y = a + bx, तो y = a + bx किसकी जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की, तो हर किसी की लीनियर रिलेशनशिप होती है, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। द लास्ट ऑफ दिस सेट A is, which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the center values? ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही ऐसी चीज है जो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही कैलकुलेट कर ली जाती है, वो होता है मीडियन, क्योंकि आपको याद होगा मीडियन में सबसे पहले आप निकालते हैं n/2। n/2 का मतलब उसके आधे तो वैसे ही नीचे के हिस्सा खत्म हो जाता है, और सिर्फ ऊपर ऊपर की वैल्यूज में से ही आंसर फाइंड आउट कर लिया जाता है, और वो सिर्फ कौन सा टाइप है हमारा, मीडियन ही एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम 50% से भी अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं बेटा, हमारे वाले सिलेबस में परसेंटाइल्स और डिसाइल्स की कैलकुलेशन किसी भी ग्राफ से निकालने के लिए नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर पाए। वैसे बेसिकली हम बेल टाइप ग्राफ्स होते हैं जिनसे हम कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों आप सब अपनी कॉपी निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल शुभम, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 सेट बी में से आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चंस, तो इसके लिए आपके पास कॉपी बिल्कुल होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको इजीली कैलकुलेट करने आने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी आएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस, एक बार मैं कैलसी निकाल लूं अपने बैग में से।
चलिए बच्चों, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं पर भी वैसे तो दिक्कत 1% भी नहीं आएगी, क्योंकि सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और कुछ आसान है कुछ लॉजिकल है। सो सेट बी चैप्टर 15 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपके सामने। इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15 20 एंड 25, then the sum of deviation of the observations from their arithmetic mean, आप जानते हैं बच्चों arithmetic mean की एक property मैंने लिखवाई थी कि जितनी मर्जी observations हो उसका जो sum of deviation का answer आता है वो हमेशा किसके equal आता है, zero के। चाहे 3 observation हो चाहे 30 observation हो, इसका answer हमेशा zero आता है। तो which is option number A। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो मीडियन निकालने के लिए आप बच्चों जानते हैं पहले ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर 4, 5, 6, 8, 9 and 11। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इवन वाला फॉर्मूला क्या कहता था कि जो बीच वाली दोनों होंगी, वैसे तो फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है लेकिन छोटा क्वेश्चन है तो हम इजिली निकाल सकते हैं, बीच वाली दोनों का टोटल करके उनको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो 14/2 आपका आंसर आ जाएगा 7। और 7 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द मॉडल वैल्यू फॉर द नंबर्स दिस दिस दिस। तो बच्चों सीधी सी बात है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है मॉडल वैल्यूज 5, 8, 6, 4, 10, 15, 18, 10। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि 10 दो बारी आ रहा है, तो आपका मॉड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। और 10 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन फॉर द नंबर्स। तो बच्चों ज्योमेट्रिक मीन आपको क्या मेथड बताया गया था ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, जितने नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो 8 × 24 × 40। 3 नंबर्स हैं तो पावर में लिख दो 1/3। अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो इसका मतलब 3 की फॉर्म बनानी है। तो देख लेते हैं 8, 24 का मतलब 8 × 3, 40 का मतलब 8 × 5। तो यहां से तो पहले क्या फायदा मिला हमें, 1, 8, 2 और 3 इससे कैंसिल होके 1, 8 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया 3 × 5। अब 3 × 5 दोनों प्राइम नंबर है, बाहर तो आ नहीं सकते, तो ये टर्म बन गई 15^1/3। अब देखते हैं पहले आंसर किस फॉर्म में है, 3 आंसर तो विदाउट डेसिमल में है, 1 आंसर क्यूब रूट की फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखूं तो ये है क्यूब रूट ऑफ 15, 8 × क्यूब रूट ऑफ 15, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगर उसने ऐसा आंसर ना दिया होता तो हमें nth रूट के फॉर्मूले से क्यूब रूट ऑफ 15 निकालना पड़ता। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, जब मैंने आपको उस टाइम समझाया था तब बताया था कि nth रूट, अगर क्वेश्चन में आंसर nth रूट की फॉर्म में है तो डायरेक्ट छोड़ देंगे, अगर आंसर डेसिमल की फॉर्म में है तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी,
फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दोबारा भेज दूंगा जिन बच्चों ने पहले नहीं समझ रखी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज द हार्मोनिक मीन फॉर द नंबर्स। अब बच्चों आ गया हार्मोनिक मीन। तो पहले तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था, n अपॉन समीशन 1 अपॉन एक्स आई। कितने नंबर्स हैं, 2, 3, 5, मतलब 3 नंबर्स हैं, तो ऊपर तो 3 लिख दो और नीचे उनके रेसिप्रोकल का सम कर दो। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। तो इनका नीचे एलसीएम ले लेते हैं, 5 × 15 × 30, तो ये आ गया 15, 3 × 10 हो गया, ये 5, 6 हो गया, 30 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 15, 10, 25 और 6, 31, ये आ गया 90/31। आंसर कैसी फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में है। तो 90/31 ये आ गया 2.90। तो 2.90 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों हार्मोनिक मीन का सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, ऊपर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नीचे उन ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल का सम, सिंपल सा फॉर्मूला। और बच्चों आपके एग्जाम में आया हुआ है यह क्वेश्चन, ध्यान रखिए हार्मोनिक मीन वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों में हम ऑब्जेक्टिवली भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिवली कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एएम एंड जीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 6.50 एंड 6, ठीक है। देन द टू नंबर्स आर, अब बच्चों मैं एक बार ना इसके ऑप्शंस लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है 6 और 7, दूसरा ऑप्शन है 9 और 4, तीसरा ऑप्शन है 10 और 3, चौथा ऑप्शन है 8 और 5। अब बच्चों देखो इसमें आपने कैसे चेक करना है, एएम के लिए तो आपने चेक करना है फर्स्ट कंडीशन जो एएम है, कि जो आपको एएम दे रखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके नंबर्स का सम होना चाहिए। जैसे 6.5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 13, तो आपके जो नंबर है उनका सम 13 होना चाहिए। 6 + 7 = 13, 9 + 4 = 13, 10 + 3 = 13, 8 + 5 = 13, इसका मतलब एएम की कंडीशन से हमें कुछ भी नहीं मिला, 1% भी कुछ नहीं मिला। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहती है, जो भी जीएम का आंसर दे रखा है उनका जब आप स्क्वेयर करो वो आपके नंबर्स का मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनका जो मल्टीपल हो वो जीएम का जो आंसर है उसके स्क्वेयर के इक्वल होना चाहिए। देख लेते हैं, 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 9 × 4 = 36, 10 × 3 = 30, 8 × 5 = 40। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई 36 आया, वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधा हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 9 और 4। यहां पे हमने बच्चों क्या यूज करा, यूजिंग ओ मेथड। तो हमारे नंबर्स जो आए 9 और 4 आ गए, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। हार्दिक इसमें क्या है, हमें एएम और जीएम का आंसर दे रखा है। एएम जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे दोनों नंबर्स होते हैं ना
उनका जब हम सम करते हैं उसको 2 से डिवाइड करें तो हमारा AM आता है। बेसिकली ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका सम करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके AM का आंसर आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, सबका आंसर ही 13 आ रहा है। 13 का हाफ 6.5, 13 का हाफ 6.5, 13 का हाफ 6.5, 13 का हाफ 6.5। तो पहली कंडीशन तो हमारी फेल ही होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वेयर रूट करो तो ये आना चाहिए। 42 का स्क्वेयर रूट 6 नहीं होता, 36 का स्क्वेयर रूट 6 होता है, तो ये आंसर हमारे ऑप्शन में आ गया। 30 का स्क्वेयर रूट 6 नहीं होता, 40 का स्क्वेयर रूट 6 नहीं होता, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। चाहे ऊपर से ढूंढ लो चाहे नीचे से ढूंढ लो, आंसर बी ही आएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वेयर रूट ये होना चाहिए या इसका स्क्वेयर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। आप ऊपर से सोचो या नीचे से सोचो, सेटिस्फाई दोनों तरफ से ही होगा। ठीक है हार्दिक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कहता है, इफ द एम एंड एच एम फॉर टू नंबर्स, AM ये दे रखा है 5 और HM ये दे रखा है 3.2, हमें क्या निकालना है, देन द GM विल बी, हमें निकालना है GM। तो बच्चों ये हमारी जो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर्मूला लगने वाला है वो हमारा ICAI के मॉड्यूल में नहीं दे रखा, तो आप यहां पे नोट कर लीजिए और अपनी बुक में भी जहां पे रिलेशनशिप आती है वहां नोट कर लेना। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों में आपस में कैलकुलेशन बन के फॉर्मूला डिराइव होता है, डेरिवेशन कि जी स्क्वेयर इज इक्वल टू AH। क्या फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वेयर का आंसर अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यह आपने याद रखना है, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू AH। तो A है आपका 5, H है आपका 3.2, तो 32 पंजे 160, जी स्क्वेयर आ गया 16, इसका मतलब G का आंसर आ गया 4। तो जी का आंसर 4 आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। वंशिका क्वेश्चन नंबर 6 में AM की कंडीशन क्या है, इन दोनों नंबर्स के सम का, इन दोनों नंबर्स के सम का हाफ ये होना चाहिए। अब ये दोनों का सम कितना बना, 13, हाफ करा तो 6.5 आ गया, इनका सम भी क्या बना 13, 6.5 आ गया, इनका भी सम कितना बना 13, 6.5 आ गया, इनका भी सम कितना बना 13। इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन हमारी AM वाली थी वो यहां पे फेल हो जाती है, तो उससे हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं लग पाता। मैं आपको दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूं सभी बच्चों को। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। तो ये दोनों हमारे फॉर्मूले होते हैं जिसके बेस पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो क्या कहता है। बच्चों पहला आपका अच्छा क्वेश्चन आ गया है जो आपके एग्जाम में कई बारी आया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, थर्ड क्वार्टाइल के लिए, डिसाइल के लिए। और जैसा कि हमें किसी बच्चों को हो सकता है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टैट्स में पढ़ा हो सिर्फ उनको आता होगा, ध्यान से समझना इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द
फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चों सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशंस को इन ऑब्जर्वेशंस को आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। तो सबसे छोटी दिख रही है बच्चों मेरे को 10, फिर है 12, 15, 16, 18, 20, 23 एंड 28। तो सबसे पहले बच्चों हमने सारी ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। दूसरा काम, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। ठीक है, पहला काम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। दूसरा काम, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो हमने यहां लिख दी। अब तीसरा और मेन काम, Q1 का फॉर्मूला। Q1 का फॉर्मूला था n plus 1 by 4th value। तो हमने क्या करा बच्चों, n की जगह 8 लिख दिया। एट प्लस वन का मतलब 9 by 4th value। अब 9 by 4 को कैलसी पे एक बार डिवाइड कर लो, तो ये हो गया 4 × 8 = 10, 4 × 8 = 20। एक सेकेंड बच्चों, मतलब बेसिकली 2.25 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं कहां तक हम लिख चुके थे दोबारा, वहां से एक बार कुछ मिट गया अपने आप ही। यहां पे फोर्थ वैल्यू, तो ये हो गया 8 + 1 by 4th value, ये हो गया 9 by 4th value, और इसको हम कैंसिल कर रहे थे कि हमारी स्क्रीन चली गई। तो ये आ गया था बच्चों 2.25th value। अब बच्चों मेन काम कि इसके आगे Q1 कैसे निकालना है, ध्यान से समझना। जो बच्चों इसमें से नेचुरल वाला पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट मतलब डेसिमल के बिना वाला पार्ट है, उस वैल्यू को तो कर दो अलग। सेकंड वैल्यू प्लस बचा कितना 0.25। इसके ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू यहां पे लिखी है उससे एक नेक्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू माइनस उससे पिछली वैल्यू, सेकंड वैल्यू। ये बच्चों इसका रूल है, चाहे क्वार्टाइल निकालना हो, चाहे डिसाइल निकालना हो, चाहे परसेंटाइल निकालना हो, यही रूल एप्लीकेबल होगा, हर जगह एक ही फॉर्मूला लगेगा। दोबारा समझ लो, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर दो, सेकंड वैल्यू हमारी इंटीग्रल पार्ट थी उसको हमने अलग कर दिया, प्लस डेसिमल में क्या बच गया 0.25 को अलग कर दिया, ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू यहां पे लिखी थी उससे नेक्स्ट वैल्यू माइनस वही वैल्यू जो आपने बाहर लिखी थी, सेकंड वैल्यू। अब ये उठानी कहां से है, ये लेनी है यहां से। सेकंड वैल्यू क्या है 12 है, असेंडिंग ऑर्डर वाली जो वैल्यूज हैं, और थर्ड वैल्यू क्या है 15 है। तो ये आ गई, सेकंड वैल्यू है 12 + 0.25, थर्ड वैल्यू है 15 - 12। ये वैल्यू सारी आपने पिक कर ली, तो 12 + 0.25 × 15 में से 12 गया 3, तो 12 + 25 = 75, तो आंसर आ गया 12.75। ये है बच्चों क्वार्टाइल निकालने का हमारा आंसर का मेथड। और देख लेते हैं 12.75 क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज का अच्छा और मेन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो उसने डिसाइल भी पूछ लिया तो इसी बहाने आपको डिसाइल भी समझ आ जाएगा। आइए डिसाइल के लिए क्या करना है, कौन सा डिसाइल पूछा है, थर्ड डिसाइल पूछा है, तो पहला काम तो सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले देख लेते हैं, सबसे छोटा हमारे पास है 9, फिर 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां भी n का आंसर हमारा 8 ही है, ठीक है बच्चों। तो आपको निकालना है थर्ड डिसाइल, तो थर्ड डिसाइल का अंदर की टर्म तो क्या नहीं है, n प्लस 1/10, ये तो आपको पता है। थर्ड डिसाइल है तो बाहर 3 आ जाएगा, फिफ्थ डिसाइल है तो बाहर 5 आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 3 × 8 + 1/10 वैल्यू, ये हो गया 3 × 9/10 वैल्यू, ये हो गया 3 × 0.9 वैल्यू, तो 9 × 27 मतलब 2.7 वैल्यू। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है, क्या है वो, कि जो तो आपका इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग कर दो। तो इंटीग्रल पार्ट के अंदर सेकंड वैल्यू अलग कर दी प्लस 0.7 टाइम्स थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ये ऊपर से देखेंगे, ये देखेंगे हम सेकंड और थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू है 10 और थर्ड वैल्यू है 11। तो ये हो गया बच्चों, सेकंड वैल्यू में 10 लिख दिया, 0.7 टाइम्स थर्ड वैल्यू में 11 माइनस 10, तो ये हो गया 10 + 0.7 × 1, 10 + 0.7, तो आपका आंसर आ गया 10.7। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में आंसर है 10.70, जो कि एक ही बात है। तो आपका थर्ड डिसाइल का आंसर आ जाएगा 10.70, ठीक है बच्चों। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। सो क्वेश्चन नंबर 10th इज, अच्छा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन ये वाला। इफ देयर आर टू ग्रुप्स, तो पहले तो दो ग्रुप्स हैं, क्या क्या दे रखे है, एक की ऑब्जर्वेशन है 30 और दूसरे की ऑब्जर्वेशन है 20, तो n1 और n2 दे रखे हैं। 50 and 60 एज देयर अर्थमेटिक मीन्स, तो पहले का अर्थमेटिक मीन है 50, दूसरे का अर्थमेटिक मीन है 60। यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो क्या फॉर्मूला था बच्चों कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का, सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला लिखवाया था, n1 × a1 + n2 × a2 / n1 + n2। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो 30 × 50 + 20 × 60 / 30 + 20, तो 5 × 1500, 6 × 1200, 30 × 20 = 50, ये हो गया 2700/50। तो कैलसी में डिवाइड कर लें, ये डायरेक्ट भी कर लेते कोई बात नहीं, 0 × 0 = 5, 5 × 25, 5 × 20, तो आपका आंसर आ गया 54। 54 इज ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा आंसर आ गया 54 का। नहीं कनिका, ऐसा कोई जरूरी नहीं है थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू ही आएगी, ये तो हमारी ऊपर ऊपर की वैल्यू इसलिए आ रही क्योंकि ऊपर का आंसर पूछा है, क्यों 3 पूछेंगे तो और नीचे आ जाएंगे,
d5 पूछेंगे तो और नीचे आ जाएंगे। ये कंपल्शन नहीं है कि थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू ही आएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000। एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, तो यहां पर एक हमारे अनस्किल्ड है और दूसरे हमारे स्किल्ड है, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज रुपीज 10,000 एंड दैट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज 15,000। इफ द कंबाइंड सैलरी, तो यहां पर इनकी कंबाइंड सैलरी ये कितनी है, इज रुपीज 12,000, वॉट इज द परसेंटेज, वॉट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, परसेंटेज। अच्छा, तो इसके लिए बच्चों आपको एक तरीका तो ये है कि आपको इनके कोई नाम देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मान लिया अनस्किल्ड वाले एक्स हैं, स्किल्ड वाले वाई हैं, तो कंबाइंड वाले हो गए एक्स प्लस वाई, ठीक है। इनको एक्स वाई और एक्स प्लस वाई की फॉर्म में दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तरह से उसने क्या कहा है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी है प्लस और जो स्किल्ड वर्कर्स की सैलरी है, आपको उसका टोटल दे रखा है कि वो टोटल कंबाइंड सैलरी कितनी आती है, इतनी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है कि अनस्किल्ड की टोटल सैलरी बन गई 10,000x, स्किल्ड की टोटल सैलरी बन गई 15,000y और कंबाइंड सैलरी उन्होंने दे रखी है x प्लस y इंटू 12,000। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 10,000x प्लस 15,000y, 12,000x प्लस 12,000y। तो हम यूं करते हैं कि y वाले इधर ले आते हैं, 15,000y में से 12,000y चला गया और x वाले उधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 3,000y इज इक्वल टू 2,000x। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आ गया 3y इज इक्वल टू 2x। और अगर हम x अपॉन y की फॉर्म में लिखे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी 3/2। चलिए अब उसने क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ, कहां चला गया, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, तो स्किल्ड वर्कर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, वाई से। तो वाई की बच्चों रेशो क्या है हमारी, 2 है, वाई की रेशो है 2, टोटल रेशो कितनी है 3 प्लस 2, और हमें परसेंटेज निकालनी है। तो ये हो गया बच्चों 2/5 × 100, तो आपके पास उसकी परसेंटेज आ गई 40%। तो परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स का आंसर आ गया 40%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। श्रुति इक्वेशन ये है कि हमें कंबाइंड सैलरी दे रखी है टोटल बंदों की, तो कंबाइंड सैलरी जब हमें अलग अलग सैलरी दे रखी है और कंबाइंड भी दे रखी है, इसका मतलब तो ये हुआ
कि इनकी जो टोटल सैलरी होगी वो इसके इक्वल है, क्योंकि कंबाइंड सैलरी का तो यही मतलब है, और इनकी टोटल सैलरी का मतलब एक्स वर्करों की सैलरी 10,000 है तो टोटल सैलरी होगी 10,000 एक्स, वाई वर्करों की सैलरी 15,000 है तो टोटल सैलरी होगी 15,000 वाई, और कंबाइंड सैलरी आपको कितनी दे रखी है, एक्स प्लस वाई इंटू 12,000, तो एक्स प्लस वाई इंटू 12,000 उसकी कंबाइंड सैलरी होगी, तो दोनों आपस में इक्वल है, ये उसकी इक्वेशन है। तो इक्वेशन से हमने पहले क्या करा, एक बेसिक एक्स और वाई के बीच में कंडीशन निकाल ली कि एक्स और वाई की कंडीशन आ गई 3/2। अब अगर वो अनस्किल्ड की पूछेगा, अगर वो अनस्किल्ड की पूछता तो अनस्किल्ड कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 5 है, तो अनस्किल्ड की परसेंटेज आ जाती 60, और स्किल्ड की पूछी है मतलब वाई की पूछी है तो वाई की परसेंटेज कितनी आ गई, 40। वैसे मैं इसको ना आपको जो अमाउंट दे रखा था उससे भी करवा सकता था कि जो टोटल अमाउंट आपको उसका दे रखा है, जैसे ये 15,000 दे रखा था स्किल्ड का अमाउंट, और नीचे का जो टोटल अमाउंट दे रखा था 15 और 10 25,000 यही दे रखे ना, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आती अपोजिट की आती, ये आ जाती वैल्यू 5 या 15 3/5, तो हमने निकाली स्किल्ड की है लेकिन वैल्यू के हिसाब से ये निकलती अनस्किल्ड की, इनटू 100 कर देता ये 60% डायरेक्ट आ जाता, ये हमारे पास डायरेक्ट अनस्किल्ड का आंसर आ जाता, और 100 में से अनस्किल्ड का माइनस कर देते हमारे पास स्किल्ड का आंसर आ जाता। तो ये भी एक तरीका है बिना इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 11th मींस 12th की बारी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्या कहता है। इफ देयर आर टू ग्रुप्स, इसका मतलब कंबाइंड वाला क्वेश्चन आ गया। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विद 75 एंड 65 एज देयर हार्मोनिक मीन्स, मतलब इस बारी हार्मोनिक मीन दे रखा है 75 एंड 65। क्वेश्चन नंबर 12 आपको हार्मोनिक मीन सेकंड का दे रखा है 65 एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 एज देयर ऑब्जर्वेशंस, फाइंड द कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो क्या फॉर्मूला था कंबाइंड हार्मोनिक मीन का, लास्ट फॉर्मूला जो हमने प्रॉपर्टीज में लास्ट में पढ़ा था, क्या था, जैसे अर्थमेटिक मीन में n1 प्लस n2 नीचे आता है, इसमें n1 प्लस n2 ऊपर आता है, जैसे अर्थमेटिक मीन में n1 into a1 आता है, इसमें n1 upon h1 plus n2 upon h2, बस सिर्फ इतना सा फर्क है arithmetic mean के साथ harmonic mean में। values आपके पास है, ये 15 है, ये 13 है, ये 15/75 और ये 13/65, तो 15 और 13 हो गया 28, 15/75 का 15 × 5 = 75, 13 × 5 = 65, तो ये हो गया 28/1/5 / 2/5 हो गया, 2/5 ऊपर आया तो 5/2 हो गया, 2 से 28 कैंसिल हुआ तो 14 हो गया, और 14/5 = 70, और 70 देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर आ जाए। हाँ बिल्कुल श्रुति, मैंने वही बताया है जब हम डायरेक्ट करेंगे
तो स्किल्ड के ऊपर लिखेंगे तो अनस्किल्ड का आंसर आएगा, अनस्किल्ड के ऊपर लिखेंगे तो स्किल्ड का आंसर आएगा। ये ट्रिकी मेथड होता है, इसीलिए मैंने कंफ्यूजन वाला शॉर्टकट आपको नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ, आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, 1, 1/2, 1/3, लास्ट 1/n तक, और आपको निकालना है हार्मोनिक मीन। तो पहले तो हार्मोनिक मीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, n डिवाइडेड बाय समीशन 1/xi। तो ऑब्वियस ही बात है 1 से लेके 1/n तक जा रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो n ही है, लेकिन नीचे क्या दे रखा है, हर ऑब्जर्वेशन को रेसिप्रोकल में लेना है, 1/1 प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/3 प्लस 1/1/n, ऊपर n ऐसे का ऐसे ही है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 3 हो गया, और ये कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। अब 1 से लेकर n तक का जो सम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन n से, और समीशन n का जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, n इंटू n प्लस 1/2। तो नीचे वाला जो समीशन n है उसकी जगह हमने लिख दिया n इंटू n प्लस 1/2, जहां पर n से एक n तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, जस्ट एक कैलकुलेटिव पार्ट था और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, इस एक्सरसाइज का फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आर, मतलब ए से बी तक वो गया तो उसकी स्पीड थी 500 किलोमीटर पर आर के हिसाब से, वापिस आया, इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, जब ए से बी गया बी से ए आया, आप घर से स्कूल गए स्कूल से घर आए, डिस्टेंस सेम है। हम एक्सेप्शनल केसेस नहीं लेंगे कि वो गया तो किसी और रास्ते से आया किसी और रास्ते से, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। कम्स बैक फ्रॉम B to A एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आर, बच्चों शब्द आया फाइंड द एवरेज स्पीड, जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होगी बच्चों आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हार्मोनिक मीन का। ये किसी बच्चे ने सवाल पूछा था हमें कहां पे लिखा हुआ ऐसा मिलेगा, तो यहां से आपको याद रखना है किस शब्द से पहचानोगे बच्चों आप, एवरेज स्पीड आपको निकालनी होगी तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हार्मोनिक मीन का। तो हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला बच्चों एक आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एक टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1/a प्लस 1/b, यही होती है। तो मैं इसको अगर इसका नीचे एलसीएम ले लू तो ये a प्लस बी अपॉन ए बी बन जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा 2AB upon A plus B, तो मेरे को ना तो ये यूज करना है ना ही ये यूज करना है, मुझे डायरेक्ट क्या यूज करना है, ये फॉर्मूला HM of AB is given by 2AB upon A plus B। जैसे हम अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं A plus B by 2,
दो नंबरों के लिए, ऐसे ही हार्मोनिक मीन के दो नंबरों का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 2ab/a+b। और आपको जो स्पीड्स दे रखी है, जो आपको स्पीड दे रखी है a से b में जाने की जो स्पीड है, वो आपका a का आंसर है जो क्वेश्चन में दे रखी है 500 किलोमीटर पर आवर, और b से a में आने की जो स्पीड दे रखी है 700 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो कैसे आ जाएगी, 2 इंटू ए मतलब 500 इंटू बी 700 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मतलब 500 प्लस 700। तो अब मेरे को कैलसी की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे मैं अभी तो यहां कर 7×5 = 70 मतलब 7 लाख और अपॉन में 7×5 = 1200 और मैं सीधा कैलसी से ही डिवाइड कर देता हूं, 7 लाख/1200 583.33 583.33 विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का जब आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। आस्था कह रही है क्वेश्चन नंबर 13 एक बार शो कर दो। ये लो आस्था, तब तक हम 15th क्वेश्चन को एक बारी सामने स्क्रीन पे ले आते हैं। ये 15 था। डिंकी लगता है थक गई है, कह रही है सर बस कीजिए। बस डिंकी थोड़े बहुत क्वेश्चन ही रह गए, मेरे ख्याल से हम 14 पे पहुंच गए हैं तो हमारे पास सिर्फ 6 क्वेश्चन ही रह गए हैं। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो एक 15 कर लेते हैं, बाकी जो 5 है आप एक बारी घर पे ट्राई कर लेना, जो सा ना निकले वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक 15वां कर लेते हैं और एग्जाम्पल बिल्कुल करने हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल्स का आपको बताऊंगा इसमें से कि कुछ एग्जाम्पल जो हमारे सीपीटी वाले हैं वो कौन से नहीं करने हैं। तो मैं एग्जाम्पल जो ग्रुप में भेजूंगा बस वही करना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 विच सेज इफ अ वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यूज, मतलब एक तरह से आपके एक्स आई दे रखे 1, 2, 3, 4, 5 विद फ्रीक्वेंसीज 1, 2, 3, 4, 5। आपको एक्स आई भी दे रखे हैं और एफ आई भी दे रखे हैं, दोनों के आंसर दे रखे हैं। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन। अब बच्चों देखो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला तो जानते ही है कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5 इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है 5×9=12, 3×15=25, 41×49=50 और 5×55। तो 55 को 15 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5×3=15, 5×11 का तो आंसर आ गया 11/3। 11/3 हमारा ऑप्शन नंबर है ए। तो ये तो बच्चों डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, एक शॉर्टकट कब लगेगा, जब आपकी
xi और fi, xi और fi दोनों सेम सेम होंगे, सेम है ना, जो xi है वही आपकी fi है। जब वो सेम सेम होंगे तो आप अपना आंसर बच्चों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कंडीशन मैं लिख देता हूं, इफ x एंड f हैव सेम वैल्यूज, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन का, सिंपली ये फॉर्मूला लगा के 2n+1/3। क्या फॉर्मूला लगा के, 2n+1/3। n का मतलब कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी है, जैसे हमें दे रखी थी 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, तो n की जगह 5 रख दो, तो ये हो गया 10+1 11/3। क्योंकि छोटा था तो हमने दोनों तरीकों से कर लिया, ना होता तो एक अलग बात थी। तो ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन रह गए। एक तो आपने वो 5 क्वेश्चन ट्राई करने हैं 16 से 20 वाले, जो आपको 16 से 20 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जाम्पल कौन से करने हैं वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए घर पे ही बने रहे, आसपास सफाई रखें, बड़ों का आदर सत्कार करें, छोटों से प्यार करें। मैं रोहित ग्रोवर आज की इस क्लास में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय शनिदेव।